साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद का मतदान जारी है। विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 27 सीटों के चुनाव में अधिकांश सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं प्रतापगढ़, वाराणसी और आजमगढ़ में निर्दलीय भी भाजपा का गणित बिगाड़ सकते हैं। परिषद में बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा ने अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 36 सीटों पर हो रहे चुनाव में से भाजपा ने 9 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं। तो वहीं शेष 27 सीटों के लिए मतदान जारी है। तो वहीं यूपी विधान परिषद चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जहां गोरखपुर में सीएम योगी ने वोट डाला। बस्ती, बिजनौर, गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज सभी जगह के मतदान केंद्र की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पे आज सभी वोट डालने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ, रवि किशन, संयुक्त भाटिया समेत कई बड़े चेहरे ने आज वोट डाला है। सुबह ही पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग किया है। बस्ती, बिजनौर, गोरखपुर, कन्नौज, जौनपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर थी, तो वैसे ही एमएलसी चुनावों में भी बीजेपी और सपा के बीच ही कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि 9 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। 36 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में पहले ही पहुंच चुकी हैं। 27 सीटों पे आज मतदान हो रहा है और इन 27 सीटों में भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को मजबूत बता रही है। वहीं जिस तरह से 9 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी ने जीत बनाई है, उसको लेकर सपा हमलावर भी है। सपा का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझ के उनके प्रत्याशियों के पर्चा दाखिल नहीं होने दिया, तमाम चीजों का लेकर आरोप लगा रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, आज मतदान हो रहा है एमएलसी का, काफी अहम चुनाव है ये भी, तो सुबह से अभी तक कौन कौन से बड़े चेहरे जिन्होंने अपना मतदान का प्रयोग किया है? विधान परिषद की 100 सीटों में से 36 के आज चुनाव हो रहा है। 36 सीटों में से 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है, बाकी के बचे 9 सीटों पर भाजपा ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया है। वहीं अगर बात करें तो लखनऊ और उन्नाव परिक्षेत्र की, तो 4018 वोटर हैं। वहीं अगर देखें तो दो तरफ से मुकाबला है। अगर देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 बार के एमएलसी रहे और एक दशक से वो एमएलसी का जिम्मा संभाल रहे हैं, सुनील कुमार साजन, और दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र प्रधान है। वहीं अगर बात करें तो इस वक्त मैं नगर निगम के पोलिंग बूथ पे हूँ, जहाँ लखनऊ के में 10 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और वहीं उन्नाव में 17 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। टोटल लखनऊ और उन्नाव परिक्षेत्र के अंदर में 27 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के एक पोलिंग बूथ पे, जहाँ आपको बता दें कि आज सुबह जो लखनऊ की महापौर है संयुक्त भाटिया, वो वोट देने आए हैं। साथ ही साथ आपके जो नगर पूर्व नगर विकास मंत्री रहे आशुतोष टंडन भी यहाँ मतदान करके जा चुके। वहीं सरोजनी नगर से नव निर्वाचित विधायक राजेश्वर सिंह भी यहाँ अपने मतदान का प्रयोग करके जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक भी इसी बूथ से मतदाता है। जिसका जी, तो जिस तरह से इस बार विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें विपक्ष के पास भी अच्छी खासी सीटें हैं, तो इस बार विपक्ष के खाते में भी अच्छे खासे वोट जा सकते हैं, क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें कि इन 27 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है, वहां अभी आने वाले 12 तारीख को नतीजों के बाद ये साफ हो पाएगा कि किसको कितनी सीटें मिली। वहीं अगर बात की जाए तो 27 सीटों में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बाकी के 9 सीटों पर भाजपा असंवैधानिक तरीके से जीती है। वहीं अगर देखा जाए तो आने वाले 12 तारीख को ये साफ हो पाएगा कि कौन कितनी सीटें निकाला। वहीं अगर वोटर्स की बात करें तो इस चुनाव में जो बीडीसी होते हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, साथ ही साथ सभासद और ग्राम प्रधान, इस एमएलसी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने एमएलसी को चुनते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो एमएलसी चुनाव अगर हूबहू एमएलए की ही जैसी होती है, मगर इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 सालों का होता है। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो आज सुबह से ही मतदान जारी है, सभी विधायक नेता अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। 36 का आंकड़ा है, जिसमें 27 पे जंग है और 9 पे निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है, और
बाकी की 27 सीटों पे आज जंग हो रही है, जिसका परिणाम 12 तारीख को सामने आएगा। सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी है क्योंकि कई बड़े चेहरे आएंगे आज मतदान करने के लिए, और बीजेपी और सपा के बीच में ही टक्कर मानी जा रही है। बस्ती, बिजनौर, गोरखपुर, कन्नौज, जौनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है। 9 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और अब बीजेपी का कहना है कि वो अच्छे मतों से जीतेगी, एक बार फिर बीजेपी ही जीतने वाली है। 36 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें 9 सीटें जीत चुकी है बीजेपी। 27 पे वोटिंग चल रही है, शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और 12 तारीख को इसका परिणाम सामने आएगा। सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें जनता नहीं, जनता द्वारा चुने गए लोग मतदान करते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं, और ये एमएलसी का चुनाव भी इतना ही अहम होता है जितना विधानसभा का चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव हमने देखा काफी दिलचस्प रहा, उसमें मुकाबला भाजपा सपा के बीच चुनाव रहा था और कभी भाजपा आगे कभी सपा आगे, कम अंतर से इस बार भाजपा को जीत मिली है, लेकिन काफी मुश्किल रही है बीजेपी के लिए ये जीत। वहीं एमएलसी के लिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी दम भर रही है और कह रही है कि इस बार भी एमएलसी के चुनाव में भी हम ही परचम लहराएंगे। तो अभी ये 12 तारीख को पता चलेगा कि आखिर इसका नतीजा क्या आता है। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हिमांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ, रवि किशन जैसे बड़े चेहरे सुबह सुबह अपने मतदान का प्रयोग कर चुके हैं, और कौन कौन से चेहरे जिन्होंने मतदान का प्रयोग किया? गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा रवि किशन हैं, विपिन सिंह हैं, ग्रामीण से विधायक हैं, और उसके अलावा जो है सुप्रकाश शाही हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। इसके साथ ही बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भी यहां पे वोट किया है। आपको बता दें कि यहां जहां जिस बूथ पे हम खड़े हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पे वोटिंग पे अपना मतदान का प्रयोग किया है मताधिकार का, तो ऐसे में बता दें यहाँ 300 से ऊपर के वोट हैं। और पूरे गोरखपुर की बात कर दें तो गोरखपुर महाराजगंज में मिला करके 5,449 वोट हैं। ऐसे में हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं यहाँ पे देते हैं, और उसमें लोगों के ऊपर बहुत हर्ष है, बहुत उल्लास है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जहाँ मुख्यमंत्री सूबे का मुखिया जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, वोट देता है सुबह सुबह आकर, ऐसे में लोग बहुत ही हर्ष के साथ यहाँ पे वोट करते हैं। और आपको बता दें कि महाराजगंज में कुल 33 बूथ हैं, ऐसे में गोरखपुर में, जबकि कुछ बता दें सबसे अधिक वोट जो है वो गोरखपुर में मतदाता, क्योंकि यहाँ पे 3,560 मतदाता हैं। ऐसे में हर बूथ पे जो है 3 कर्मचारी लगाए गए हैं, उसमें 2 जो है स्टेट के हैं और 1 सेंट्रल के कर्मचारी लगाए गए हैं, और इनका पूरी तरह से प्रयोग किया जा रहा है कि मताधिकार को पूरी शांति प्रयोग किया, योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पे आए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जी हिमांशु, की बात करें प्रत्याशियों की, तो इस बार कौन सा प्रत्याशी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, भाजपा का या सपा का? कि आप साफ बता दें कि 9 सीटें तो इनकी सुरक्षित हैं भाजपा की, ऐसे में बाकी सीटों पे सपा और भाजपा लड़ाई है और काफी कांटे की टक्कर देखी जा सकती है, लेकिन गोरखपुर को भी सुरक्षित सीट माना जा रहा है, क्योंकि गोरखपुर वैसे भी सुरक्षित सीट है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गोरखनाथ के लोगों की आस्था जुड़ी है, योगी आदित्यनाथ से आस्था जुड़ी है, सूबे का मुखिया यहाँ पे है, तो ऐसे में ये सीट भी सुरक्षित है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से। तो सीएम योगी ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है, आपने मतदान केंद्र की तस्वीर भी देखी कि किस तरह से गुब्बारे से, भगवा रंग के गुब्बारे से सजा हुआ है, सजावट की गई है, क्योंकि ये भी एक त्यौहार है और हर त्यौहार मनाया जाता है भारतवर्ष में। और 9 सीटों पर जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत है, लेकिन विपक्ष को भी कम कहना सही नहीं है। बस्ती, बिजनौर, गोरखपुर, कन्नौज, जौनपुर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बार भी यानी कि एमएलसी चुनाव में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और सभी ने वोटरों को विश्वास दिलाया है कि वो आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे, भविष्य उज्जवल रहेगा जनता का, और लोगों के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, निष्ठा से काम करेंगे। तो तमाम दावे वादे करते हुए आज उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी प्रत्याशी की, शायद उन्हें आज जनता जो वोटर्स हैं वो जिता दें। तो काफ़ी दिलचस्प है ये दिन आज का, क्योंकि एमएलसी का चुनाव है, हालांकि इतना शोरगुल इसमें देखने को नहीं मिलता है, इसमें जनता की भागीदारी बहुत कम होती है,
36 का आंकड़ा है, यानी कि 36 सीटें हैं जिस पे आज वोटिंग होनी है। एमएलसी का चुनाव हो रहा है लेकिन उसमें से सिर्फ 27 के लिए ही वोटिंग हो रही है और बाकी की 9 सीटें जो है वहां पे विपक्षी दल या तो पर्चा भर नहीं पाए या फिर किन्हीं कारणवश वो चुने नहीं गए हैं, अपना पर्चा नहीं भर पाए हैं, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालिफाई हो गए हैं। और वहीं निर्विरोध जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटों पर। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं रायबरेली से। अजय, अगर रायबरेली की बात करी जाए तो वहां पे एमएलसी चुनाव का कैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है, कौन कौन से बड़े चेहरे अभी तक मतदान कर चुके हैं और जो दो मुख्य प्रत्याशी हैं उनके नाम क्या है? जी अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो आज जिन 27 सीटों पर चुनाव होना है वहां पे काफी हलचल देखने को मिल रही है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है सभी जगह पे। 27 सीटों के लिए सभी जगह पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। बस्ती, बिजनौर, गोरखपुर, कन्नौज, जौनपुर, और इस बार भी एक चीज कॉमन है कि बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, बाकी पार्टियां कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं इतना ज्यादा। और आज जो युद्ध हो रहा है मैसी चुनाव का प्रत्याशियों के बीच, उसका नतीजा 12 अप्रैल को देखने को मिलेगा। तो यूपी में एमएलसी का चुनाव काफी अहम है, मात्र 36 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है लेकिन इसके लिए भी प्रत्याशियों द्वारा, पार्टी द्वारा पूरी ताकत झोंकी गई है। तो ये पार्टी के बड़े बड़े चेहरे अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर जिले में जितनी भी सीटें हैं वहां के विधायक, सांसद, सभी लोग आज मतदान कर रहे हैं। तो विधानसभा का चुनाव काफी, एमएलसी का चुनाव काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह का अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिला बीजेपी सपा के बीच, कांटे की टक्कर देखने को मिली विधानसभा चुनाव में, वैसे ही एमएलसी का चुनाव भी माना जा रहा है। अब क्या पुराने ही प्रत्याशी फिर से रिपीट कर पाते हैं इस चुनाव में, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो वहीं नए प्रत्याशी कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, जिन्हें मौका दिया गया है उनका कैसा प्रदर्शन रहता है, ये भी जनता देखना चाहती है। हालांकि 4 बजे तक वोटिंग होगी और 12 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे कि किसके पक्ष में वोटिंग हुई है, कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है इस चुनाव में। और रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं एक बार फिर। अजय, जिस तरह से आज चुनाव हो रहा है उसको देखते हुए काफी तैयारियां की गई प्रत्याशियों द्वारा, तो प्रत्याशियों के नाम साथ ही साथ उनके द्वारा जो कुछ भी तैयारी करी गई है उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। भाजपा से दिनेश प्रताप सिंह है, सपा से दीन यादव जी है, जो कि यहाँ पे अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे तैयारी की गई है। लगातार पुलिस बल मौजूद है और पुलिस के साथ किया जा रहा है और जैसा कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी तैनात है। जी, किन किन दावे और वादों के साथ चुनावी मैदान में हैं दोनों प्रत्याशी? देखो, दावे वादे की बात की जाए तो बहुत जो चुनावी होता है, प्रचार होता है, उसमें जो है दावे बहुत प्रकार किए जाते हैं। अब कहाँ तक ये खड़े उतरते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। 12 तारीख को इसकी जो वोटिंग होगी गिना जाएगा, कौन जीतेगा इसके बाद पता चलेगा। जी, रायबरेली में सुबह से कौन कौन से वोटर हैं जो अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं, बड़े चेहरों की बात करी जाए तो? रायबरेली में कुल 2480 मतदाता हैं और जो कि अभी यहाँ पे प्रधान, डीडीसी और जिला पंचायत सदस्य सभी लोग आ चुके हैं। कुल टोटल जो है बात की जाए परसेंटेज की तो 22% वोट पड़ चुका है पूरे जनपद में।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय जुड़े थे रायबरेली से। तो रायबरेली में भी सुबह से वोटिंग जारी है और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं मतदाता, साथ ही साथ काफी व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी मतदाता को किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो एमएलसी चुनाव के रिजल्ट 12 तारीख को आएंगे और 9 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है क्योंकि निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। कुल 36 सीटों पर चुनाव हो रहा है और काफी दिलचस्प मुकाबला है। गोरखपुर, कन्नौज, बिजनौर, बस्ती, जौनपुर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग भी कर लिया है और हर अलग अलग जिले में वोटिंग हो रही है, लेकिन इनकी समय सीमा 4 बजे तक की ही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अब विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही शनिवार सुबह यानी आज सुबह 8 बजे से ही मतदान चल रहा है जो कि 4 बजे तक चलेगा। विधान परिषद के लिए चुनाव प्रचार 7 अप्रैल को खत्म हो गया था। चुनाव के नतीजे 12 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटों पर पहले ही जीत हो चुकी है, तो वहीं अन्य सीटों पर बीजेपी की सपा से कड़ी टक्कर मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा की तरह ही माना जा रहा है। अखिलेश यादव के लिए भी ये चुनाव काफी अहम है। तो सुबह से ही मतदान जारी है और ऐसे में हमारे संवाददाता ने इस एमएलसी चुनाव का जायजा लिया है और जिस तरह से सुबह से मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे संवाददाता पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए तो 36 सीटों में से 27 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। वहीं अगर देखें तो 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। वहीं अगर बात की जाए लखनऊ और उन्नाव परिक्षेत्र की, तो लखनऊ उन्नाव परिक्षेत्र से 2 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से सुनील कुमार साजन और बीजेपी की तरफ से रामचंद्र प्रधान है। लगभग 4018 मतदाता हैं और आपको बता दें कि ये मतदान सुबह 8 बजे चल रहा और शाम 4 बजे तक चलेगा और आने वाले 12 तारीख को 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 36 सीटों में से आज 27 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहीं 9 सीटों पर बीजेपी ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया है। इसी क्रम में हमारे साथ बीजेपी के उत्तरी लखनऊ से विधायक नीरज, डॉक्टर नीरज बोरा जी हैं। सर ये बताएं 27 सीटों में से जो चुनाव हो रहा है कैसा आपको रिजल्ट दिख रहा है? हम लगभग सारी सीटें जीतेंगे, पूरा विश्वास है, क्योंकि ये वही जनप्रतिनिधि आज वोटर होते हैं जिन्होंने अभी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी कराई है। और जनप्रतिनिधि, हर जनप्रतिनिधि के मन में एक विश्वास होता है कि हमें उस पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, उस सरकार के साथ रहना चाहिए जो विकास उन्मुख हो, और भारतीय जनता पार्टी ने वह साबित कर दिया है। दशकों बाद कोई ऐसी पार्टी चुनी हुई, सरकार चुने हुए मुख्यमंत्री को दोबारा सत्ता में जनता ने पहुंचाया है उनके कार्यों को देखते हुए, और इस बार भी पहुंचाया है। मुझे लगता है कि सभी जनप्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे और हम 2/3 बहुमत की ओर सदन में बढ़ रहे हैं और सारी की सारी सीटें इस बार जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चुनाव बीजेपी पूरी गलत तरीकों से अपने पक्ष में करके चुनाव लड़ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में हार गई तो वहाँ कोई दुरुपयोग किया क्या? नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा कार्य नहीं करती है, वैसी संस्कृति में नहीं विश्वास करती है। और जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं उनका नारा है हल्ला बोलो, उनका नारा है अपहरण करो, उनका नारा है ये सब तरीके के गतिविधियां करने का। और आज चूंकि वो हार रहे हैं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और क्या कहूंगा मैं। हारते हुए आदमी को कोई भी आरोप लगाना उसके लिए, वो लगाने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, अगर बात की जाए लखनऊ उन्नाव परिक्षेत्र की, तो 2 बारों से सुनील कुमार साजन सपा के जीतते हुए आ रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से रामचंद्र प्रधान जी को मैदान में उतारा गया है, कैसा मुकाबला देखते हैं आप इस बार?
एक तरफा मुकाबला है। रामचंद्र प्रधान जी भारी मतों के साथ अंतर से जीतेंगे, आने वाला परिणाम सबको बता देगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रही है, पहले भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। ऐसी बात नहीं, 27 में से कितनी सीटें निकल जाएंगी? हम लगभग सारी सीटें जीतेंगे। हमारे साथ बीजेपी उत्तरी से विधायक नीरज बोरा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी जो 27 सीटों में से लड़ रही है उस पर लगभग सीटों में से चुनाव निकालेगी। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। नीरज बोरा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि 27 में से लगभग सभी सीटें बीजेपी जीतेगी और इसी तरह से बीजेपी के सभी नेताओं का यही कहना है कि 27 में लगभग सभी सीटें जीतेगी बीजेपी, अच्छे खासे सीटें जीतने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं रामचंद्र प्रधान सुनील साजन के बीच मुकाबला है और कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। आपको बता दें कि इस जहां दो बड़ी पार्टी बीजेपी सपा इस चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा रही है और सीएम योगी अखिलेश यादव दोनों के लिए ही ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी चुनाव के लिए अपना वोट दे दिया है सुबह ही। तो वहीं बैलेट मतदान की छूट न होने के कारण वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट नहीं दे पाए हैं। इसी तरह चंदौली से सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी मतदान नहीं कर पाए हैं। वहीं अमेठी जिले के 13 मतदान केंद्रों पर भी मतदान हो रहा है सुबह से। बीजेपी एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला ने भेटुआ ब्लॉक पहुंचकर अपना मतदान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि भी और साथ ही स्मृति ईरानी भी कुछ देर में मतदान करेंगे। तो बीजेपी के पास कोई विचार नहीं है, केवल पैसा है। गाजीपुर में सपा विधायक ने ये बात भी कही है और जिस तरह से 9 सीटें निर्विरोध बीजेपी ने जीती है उसको लेकर सपा हमलावर है बीजेपी पे, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। गाजीपुर में एसपी विधायक ओपी सिंह ने एमएलसी चुनाव के लिए अपना वोट दिया और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई विचार है ना राष्ट्र हित में कोई कार्यक्रम, उनके पास केवल धन है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक का धन इनके पास है और इसी धनबल के आधार पर देश की राजनीति करना चाहते हैं ये लोग। श्रीलंका में जैसी स्थिति बना महंगाई की मार पड़ी है उसी तरह से यहाँ भी माहौल पैदा कर देंगे, तो इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, ये लोग केवल ऐसे और माफियाओं के बल पर सत्ता चलाना चाहते हैं। तो माफियाओं के बल पर सत्ता चलाना चाहते हैं, कोई विचार नहीं है और कोई नीति नहीं है, इन सब चीज़ों का आरोप लगाया जा रहा है सपा के द्वारा। महंगाई की मार जिस तरह से जनता झेल रही है, आए दिन चीज़ें महंगी हो रही है, उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। और जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी तक यानी लखनऊ से दिल्ली तक महंगाई को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, तो एमएलसी चुनाव के बीच भी इसकी आवाज उठने लगी है। और हमारे साथ सुनीश जुड़ चुके हैं, संवाददाता है सीतापुर से। सुनीश, अगर बात करी जाए आज के चुनाव की तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास सीतापुर से? आज विधान परिषद चुनाव का चुनाव हो रहा है जिसमें 3891 मतदाता अपना मतदान कर रहे हैं, जिसमें बीडीसी जिला पंचायत अध्यक्ष एमएलए एमएलसी सांसद प्रधान सभी लोग मतदान कर रहे हैं, जिनमें कुल सीतापुर में 19 विकास खंडों सहित जिला पंचायत कच्छ का मिलाकर 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जी, तो अब तक कौन से बड़े चेहरे जिन्होंने अपना मतदान किया है सीतापुर में? जी, अब तक सीतापुर के सांसद राजीव शर्मा और विधायक राकेश ठाकुर, ये सभी ज्यादातर बड़े चेहरे जो कि मतदान कर चुके हैं। और ये देखा जाए कि सीतापुर में जो बात सुरक्षा की बात की जाए तो लगातार पुलिस बल तैनात है और इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं के पहचान पत्र भी बनाए गए हैं, जिनको देख के ही अब उनको मतदान केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है। जी, जिस तरह से सपा बीजेपी पर हमलावर है कि मतदान केंद्र जिस तरह से अभी 9 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल करी है बीजेपी ने, उसको लेके सपा लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है, कह रही है कि जानबूझ के पर्चा दाखिल नहीं करना दिया गया है, तो क्या सपा की तरफ से सीतापुर से भी क्या कोई ऐसा बयान सामने आया है? जी नहीं, ऐसा तो बयान कोई सामने नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो भाजपा प्रत्याशी
पवन सिंह चौहान लगातार बड़े आंकड़ों से जीत उनकी देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो सपा प्रत्याशी अवनेश यादव और जो निर्दल प्रत्याशी अरुण दीक्षित मोनू, इन तीनों में ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही कि सपा द्वारा कोई भाजपा पर कोई भी आरोप लगाया जा रहा हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सीतापुर से संवाददाता सुनीश जुड़े हुए थे। तो सीधे तौर पर अलग अलग जगह पे प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और बीजेपी सपा के बीच कांटे की टक्कर है और लगातार सभी बड़े चेहरे अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर एमएलसी चुनाव के बीच भी देखने को मिल रहा है। गाजीपुर में एसपी विधायक ओपी सिंह ने भी एमएलसी चुनाव में अपने मत का प्रयोग भी किया है, साथ ही साथ हमलावर भी रहे हैं और उन्होंने बताया कि बीजेपी के पास कोई विचार नहीं है और केवल पैसा है और इसी के आधार पर वो जीत हासिल करना चाह रही है। बीजेपी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, ये लोग केवल ऐसे और माफियाओं के बल पर सत्ता चलाना चाहते हैं। तो वहीं वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी अपना वोट नहीं डाल पाए हैं। आपको बता दें कि एमएलसी चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी अपना वोट इसलिए नहीं दे पाए हैं क्योंकि एक वहां पे उनको अनुमति नहीं मिली बैलेट पेपर की। नरेंद्र मोदी वाराणसी सांसद हैं और इसी तरह केंद्रीय मंत्री और चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे भी वोट नहीं दे पाए हैं। बताया जा रहा है कि बैलेट मतदान की छूट ना होने के चलते ऐसा हुआ है। तो वहीं एमएलसी शत्रुद्ध प्रसाद का भी बयान सामने आया है, जहां बुलडोजर का नाम सुना है ना, जीत बीजेपी की होगी, इस तरह का बयान उनका सामने आया है। वाराणसी में बीजेपी के सुदामा पटेल, माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और सपा के उमेश यादव के बीच भी मुकाबला है और यूपी चुनाव से पहले सपा छोड़ बीजेपी में आए एमएलसी शत्रुद्ध प्रसाद ने मतदान भी किया और उन्होंने प्रदेश में सभी सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। ब्रजेश सिंह की पत्नी के चुनाव मैदान में शत्रुद्ध प्रसाद ने कहा कि बुलडोजर का नाम सुना है, जीत बीजेपी की होगी, तो जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि जीत बीजेपी की होगी। लगभग जो 27 सीटें हैं जिन पे आज मतदान हो रहा है उसमें लगभग 27 सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। तो गोरखपुर में अपना वोट देते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए और यहां उन्होंने कहा कि मैं यहां अपना मतदान करने आया हूं। जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी उसमें से 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं, 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 27 में से 9 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल कर लिया बीजेपी ने और अपने मत का प्रयोग करने ही वो गोरखपुर आए। आपको बता दें कि गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम आदित्यनाथ ने जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला हुआ उसकी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की, साथ ही साथ आज सुबह सुबह पहुंचकर अपने मत का प्रयोग भी किया और कल नवरात्र की नवमी है और नवमी के दिन कन्या पूजन करेंगे, पूजा अर्चना करने के लिए हमेशा ही सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाते हैं, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और इस बार भी वो गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। हालांकि 3 दिवसीय दौरे पर हैं, उनके अन्य भी कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे, साथ ही कामकाज को लेकर भी वो पहुंचे हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आई है, सीएम योगी के दफ्तर का ट्विटर हैंडल हैक, एक के बाद एक किए गए ट्वीट्स, बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्विटर हैंडल हैक हुआ है, यूपी सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी, अकाउंट को तुरंत किया गया रिकवर। सीएम योगी के दफ्तर का ट्विटर हैंडल हैक, एक के बाद एक किए गए ट्वीट्स, यूपी सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी, अकाउंट को तुरंत किया गया रिकवर। सीएम योगी के दफ्तर का ट्विटर हैंडल हैक, यूपीएमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेयर संयुक्ता भाटिया ने किया ट्वीट,
माफ करिएगा मतदान मेयर संयुक्ता भाटिया ने एमएलसी चुनाव आज सुबह से हो रहा है उसमें अपना मतदान भी किया है। लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग चल रही है। मेयर संयुक्ता भाटिया ने किया मतदान। लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में डाला वोट। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग। मेयर संयुक्ता भाटिया ने किया मतदान। लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में डाला वोट। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी से। मेयर संयुक्ता भाटिया ने किया मतदान। लखीमपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। सुपारी किलर के पैर में लगी पुलिस की गोली। बदमाश कमाल को किया गिरफ्तार। सुपारी किलर कमाल के कई साथी हुए फरार। घायल सुपारी किलर कमाल का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई गिरफ्तारी। और हरा कोतवाली क्षेत्र की घटना। लखीमपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सुपारी किलर के पैर में लगी पुलिस की गोली। बदमाश कमाल को किया गया गिरफ्तार। गोली लगने के बाद अस्पताल में इलाज जारी। सुपारी किलर कमाल के कई साथी भी हुए गिरफ्तार। घायल सुपारी किलर कमाल का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र की घटना। लखीमपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। सुपारी किलर के पैर में लगी पुलिस की गोली। बदमाश कमाल को किया गया गिरफ्तार। सुपारी किलर कमाल के कई साथी हुए फरार। वैसे चुनाव जारी है और सुबह से ही शुरुआत हो चुकी है इसकी। कई बड़े शहरों ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है और शाम 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। आपको बता दें संयुक्ता भाटिया ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बस्ती, बिजनौर, गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज, सभी जगह की तस्वीरें सामने आई है। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया मतदान। साथ ही साथ कई बड़े चेहरे भी रहे मौजूद। नगर निगम में सीएम योगी ने वोट डाला है। उनके साथ रवि किशन भी मौजूद रहे थे। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने भी अपने वोट डालकर अपने मत का प्रयोग किया। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने मतदान केंद्र पहुंच के अपने मत का प्रयोग किया है। मेयर संयुक्ता भाटिया ने भी एमएलसी चुनाव में अपना वोट डाला है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी मतदान किया। देवरिया सदर से शलभ मणि त्रिपाठी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। एमएलसी की 27 सीटों पर वोटिंग जारी है और कई विधायक सांसद अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं और सुबह से ही कई बड़े सांसद विधायक पहुंच भी चुके हैं और कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने भी अपने मत का प्रयोग किया। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने मतदान किया। मेयर संयुक्ता भाटिया ने भी एमएलसी चुनाव में वोट डाला। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मतदान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। देवरिया सदर से शलमणि त्रिपाठी ने भी मतदान किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वाराणसी से सांसद है लेकिन वहां पे बैलेट पेपर की अनुमति ना होने की वजह से वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो गोरखपुर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग किया है। जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर, बस्ती, सभी जगह मतदान चल रहा है। 36 सीटों पे चुनाव होना था जिसमें 9 पे निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी और 27 सीटों पे मतदान जारी है। वहीं बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे।
तो लगातार एमएलसी चुनाव को लेकर अपडेट भी सामने आ रही है। देवरिया कुशीनगर में चुनाव प्रभावित करने का आरोप भी लग रहा है। विधान परिषद चुनाव को देवरिया कुशीनगर से एक ये खबर भी सामने आ रही है, जहां देवरिया से भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी का आरोप है कि देवरिया के गौरी बाजार में कुछ अनाधिकृत लोग मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी से